सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवायफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। Sir, these tawaifs are very powerful, and they have the nawabs under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? आजकल हर तरफ हीरा मंडी के ही चर्चे हैं, जिसे देखो इसी की बात कर रहा है। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं हाल ही में रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स वेब सीरीज हीरा मंडी की, जो कि भारतीय प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली की पहली नेटफ्लिक्स की महंगी तरीन फिल्म है। नेटफ्लिक्स ने इस पर खुलकर पैसा लगाया है। 20 करोड़ लागत से तैयार होने वाली इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर 60 से 65 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, जबकि अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा 2 करोड़, मनीषा कोयराला 1 करोड़, आदिति राव हैदरी 1.5 करोड़ और शर्मीन सहगल 35 लाख मुआवजा वसूल कर रही हैं। शर्मीन सहगल, जो कि संजय लीला भंसाली की भांजी हैं, इन्हें फिल्म में कास्ट करने पर लोग खासी तनकीद कर रहे हैं कि संजय लीला भंसाली ने अपनी भांजी को फिल्म में कास्ट करके अकरबा परवरी का सबूत दिया है। इधर सोशल मीडिया पर लोग शर्मीन सहगल को खासा ट्रोल कर रहे हैं। लोगों के सख्त कमेंट्स की वजह से शर्मीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है कि भंसाली प्रोडक्शन ने रवा साल के अवाइल में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल की नई आने वाली फिल्म लव एंड वॉर में शर्मीन सहगल को भी कास्ट कर लिया है। बेपनाह मकबूलियत पाने वाली हीरा मंडी ने दो ऐसे अदाकार जो सालों से गुमनामी के अंधेरों में गुम थे, इनकी किस्मत खोल दी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म की मलिका जान, मनीषा कोयराला और फिरोज खान के बेटे फरदीन खान की। मनीषा कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त देकर नेपाल में अपने वालदैन के साथ रह रही थी, जबकि फरदीन खान कई सालों से घर पे बच्चे संभालने का काम कर रहे थे। फिल्म में कास्ट होने पर मनीषा ने बेहद खुशी का इजहार किया है। 1996 में संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में काम करके शोहरत पाने वाली मनीषा दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्में करने में मसरूफ हो गयी, मगर उनके दिल में दोबारा भंसाली प्रोडक्शन के साथ काम करने की शदीद ख्वाहिश थी, जो कि हीरा मंडी की सूरत पूरी हुई। फिल्म की रिलीज के अगले ही दिन रेखा ने मनीषा को मुबारकबाद दी और कॉल करके कहा कि इन्हें 20 साल पहले इस फिल्म की ऑफर हुई थी, मगर वो दुआ करती थी कि इनकी जगह अगर कोई और अदाकारा इस फिल्म में कास्ट हो तो वो मनीषा कोयराला हो। रेखा ने कहा कि इनकी दुआ कबूल हुई। मनीषा की तरह हीरा मंडी की कास्ट में शामिल दूसरी अदाकाराएं जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, आदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख शामिल हैं, फिल्म की पूरी कास्ट को बहुत पजीराई मिल रही है। मुख्तलिफ पॉडकास्ट में इन सब को मधु किया जा रहा है। फिल्म में खूबसूरत मलबूसात और कीमती जेवरात के बारे में अदाकारा ऋचा चड्ढा अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि फिल्म में इस्तेमाल होने वाले तमाम जेवरात असली थे और अगर वो उनको पहन के फरार हो जाती तो एक और फिल्म बना सकती थी। सोनाक्षी सिन्हा और आदिति राव हैदरी ने संजय लीला भंसाली की तारीफ करते हुए इन्हें परफेक्शनिस्ट करार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म की तारीफ के अलावा बहुत से लोग उसकी बुराई भी कर रहे हैं। इस फिल्म की अदाकारा इस फिल्म के दिफा में बोल रही हैं। आदिति राव हैदरी का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है और ना पसंदीदगी के इजहार का भी कोई तरीका होता है। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है बाजगा चिश्ती। फिल्म की मौसीकी की बात करें तो अमीर खुसरो का लिखा हुआ गीत फूल रही सरसों बहुत मकबूलियत पा रहा है और इसकी सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक को बेहद पसंद किया जा रहा है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी।